हम लोग जब भी कोई फोल्डर को क्रिएट करते हैं इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज आवर फाइल्स, हम सभी को एक ही कलर का फोल्डर देखने को मिलता है और वो है येलो कलर की फोल्डर। लेकिन एक ही कलर को फोल्डर को देखते देखते हम लोगों को एक बोरिंग सा महसूस होने लगता है। तो सोचिए, ये येलो कलर की फोल्डर अगर चुटकी में दूसरे कोई कलर में चेंज हो जाए तब आपको कैसा लगेगा? ये खाली फोल्डर का लुक को ही बदलने में काम आती है वो नहीं, बल्कि यू कैन ऑर्गेनाइज योर फाइल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज विद दिस फोल्डर्स। इससे फ़ायदा ये होती है कि आप फोल्डर का कलर देख के तुरंत पहचान लेते हैं कि कौन सा कैटेगरी का फाइल्स किस फोल्डर में है। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू हाउ वन कैन चेंज हिज फोल्डर कलर्स फ्रॉम डिफॉल्ट येलो कलर टू एनी कलर ही लाइक्स। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वन, स्टिक विथ मी टिल द एंड। हेलो गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आई एम संजीव एंड यू आर वॉचिंग डिजिटल संजीव। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे फोल्डर्स का कलर को चेंज किए जाते हैं। लेकिन अगर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल टू नेवर मिस एन अपडेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Hello and what's up friends, now I am right on my PC screen. I am going to change the folder colors. For instance, here are some of the folders having yellow colors by default. Yani agar aap koi bhi folder create karoge to aapko is yellow color ki folder hi dekhne ko milega jo ki by default aata hai. But this color looks boring. It's really really boring. We really feel boring by seeing this yellow color folders. I'm going to go ahead and show you how to change these yellow color folders to any color you want, like blue, red, pink, etc. Whichever color you like. तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे फोल्डर्स का कलर को चेंज किए जाते हैं। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा और उसके लिए अपना क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और सर्च बार पर लिखना है www.folderico.com। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दे रखी है। इंटर करते ही उस वेबसाइट खुल के आपके सामने आ जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर डाउनलोड बोल के जो बटन दिखाई दे रहा है उसी के ऊपर आपको टैप कर देना है। टैप करते ही एक नया पेज आ जाएगा जहाँ पर डाउनलोड फोल्डरिको वर्जन 6.2 बोल के जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसी के ठीक नीचे आपको डाउनलोड फॉर विंडोज के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये देखिए डाउनलोड होना शुरू हो गया है। नाउ आई हैव टू क्लिक ऑन शो इन फोल्डर ऑप्शन टू लोकेट द डाउनलोडेड सेटअप फाइल। लुक, हियर इज द सेटअप फाइल। अब इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फोल्डरिको का सेटअप विजार्ड ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको खाली नेक्स्ट नेक्स्ट करके लास्ट में इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना है नॉर्मल सा एक इंस्टॉल करने के लिए। क्लिक ऑन फिनिश एट द एंड टू कंप्लीट द इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद चलिए इसको रजिस्टर कर लेते हैं सो दैट यू कैन यूज दिस एप्लीकेशन एज प्रो वर्जन विदाउट एनी लिमिट फॉर लाइफ टाइम। इसके लिए आपको स्टार्ट मेनू पे क्लिक करके फोल्डरिको एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जहां पर ऊपर आपको मेनू बार पर हेल्प मेनू पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही एंटर द सीरियल की बोल के एक ऑप्शन दिखाई देगा उसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही एक पॉप अप आ जाएगा एंड यू हैव टू एंटर द सीरियल की ओवर हियर जैसे कि मैं कर रहा हूँ। इस सीरियल की को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी है जहाँ से आपको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और ओके के ऊपर
क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही और एक पॉपअप आ गया है जहां पर आपको रजिस्टर करने के लिए थैंक यू कह जा रहा है। क्लिक ऑन ओके। अब आप अगर हेल्प पर क्लिक करोगे तो आपको एंटर द सीरियल की का ऑप्शन नजर में नहीं आएगा। तो चलिए अब एक डेमो फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और इसका कलर को चेंज करके देखते हैं कि कैसे किए जाते हैं। इसके लिए यू हैव टू राइट क्लिक ऑन द फोल्डर एंड प्लेस योर माउस कर्सर ऑन चेंज फोल्डर आइकन ऑप्शन टू एवेल डिफरेंट कलर्स टू चूज फ्रॉम। ये जो चेंज फोल्डर आइकन ऑप्शन आपको दिख रहा है वो इस फोल्डर को एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद ही देखने को मिलेगा। अब इस कलर्स में से आप कोई भी कलर को चुन सकते हैं अपना फोल्डर के लिए, जैसे कि मैं रेड कलर को चुन रहा हूँ। क्लिक करते ही ये देखिए डेमो फोल्डर का कलर तुरंत रेड कलर में चेंज हो गए हैं। चलिए अब और कुछ फोल्डर्स क्रिएट कर लेते हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। आप राइट क्लिक करके कॉन्टेक्स्ट मेनू को यूज करके न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और नहीं तो कीबोर्ड से शॉर्टकट की शिफ्ट कंट्रोल एन दबा करके भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूं। यहाँ पर मैंने दिखाने की खातिर 5 फोल्डर क्रिएट कर चुके हैं। अब एक एक करके मैं इस फोल्डर्स का कलर चेंज करके आप लोगों को दिखाऊंगा। जैसे कि इस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करके कॉन्टेक्स्ट मेनू से चेंज फोल्डर आइकन ऑप्शन के ऊपर माउस कर्सर रखते ही बहुत सारे कलर्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। इनमें से किसी एक कलर को अगर सिलेक्ट करेंगे तो वो फोल्डर उसी कलर में चेंज हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो इस कॉन्टेक्स्ट मेनू को छोड़ के स्टार्ट मेनू पे क्लिक करके फोल्डर को एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं और ओपन करने के बाद यू हैव टू टैप ऑन द प्लस बटन टू एड फोल्डर फर्स्ट। टैप करने के बाद यू हैव टू चूज योर फोल्डर, जैसे कि मैं चूज कर रहा हूँ। ये देखिए मेरा फोल्डर ऐड हो चुके हैं। नाउ आई हैव टू क्लिक ऑन कलर आइकन फ्रॉम लाइब्रेरीज फील्ड और जिन कलर को आप चाहते हैं उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं ब्लू कलर को सिलेक्ट कर रहा हूं और क्लिक ऑन अप्लाई। अप्लाई पे क्लिक करते ही ये देखिए मेरा फोल्डर का कलर ब्लू कलर में चेंज हो गए हैं। नाउ क्लिक ऑन ओके। अब चलिए दूसरा फोल्डर का कलर चेंज करते हैं। उसके लिए यू कैन राइट क्लिक ऑन द फोल्डर एंड प्लेस योर माउस कर्सर ऑन द चेंज फोल्डर आइकन ऑप्शन। इसके ऊपर कर्सर रखते ही ढेर सारे कलर्स आपको देखने को मिलेगा, जिनमें से कोई भी कलर को आपको चुन लेना है, जैसे कि मैं चुन रहा हूँ ग्रीन को। नाउ इफ यू राइट क्लिक करके रिफ्रेश करोगे तो यू कैन सी द डिफरेंस। तो चलिए अब बाकी का फोल्डर्स को भी कलर बदल देते हैं, चाहे कॉन्टेक्स्ट मेनू ऑप्शन से और नहीं तो स्टार्ट मेनू ऑप्शन से। ये देखिए पूरा का पूरा फोल्डर्स का कलर अब डिफॉल्ट कलर से नया कलर्स में चेंज हो चुके हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि अगर आपको इस नया कलर वाला फोल्डर्स को डिफॉल्ट येलो कलर में फिर से चेंज करना है तो आप क्या करोगे। इसके लिए आपको उस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करके कॉन्टेक्स्ट मेनू में से रेस्टोर डिफॉल्ट को सिलेक्ट कर लेना होगा। सिलेक्ट करते ही ये देखिए उस फोल्डर का कलर डिफॉल्ट कलर में चेंज हो गए हैं। अब देख लेते हैं स्टार्ट मेनू से कैसे ये किए जाते हैं। उसके लिए यू हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट मेनू एंड सिलेक्ट द फोल्डर को एप्लीकेशन, टैप ऑन ऐड बटन एंड चूज द फोल्डर टू बी एडेड। नाउ टैप ऑन द रिस्टोर डिफॉल्ट बटन एट द लेफ्ट बॉटम कॉर्नर ऑफ द डायलॉग बॉक्स। ये देखिए टैप करते ही उस फोल्डर का कलर डिफॉल्ट येलो कलर में फिर से चेंज हो चुके हैं। तो ऐसा करके आप कोई भी फोल्डर को फिर से डिफॉल्ट कलर में चेंज कर सकते हैं। अब चलिए इस फोल्डर का आइकन को चेंज करके देखते हैं।
उसके लिए यू हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट मेनू एंड टैप ऑन फोल्डर इको एप्लीकेशन। क्लिक ऑन ऐड बटन टू ऐड फोल्डर। Now, if you click on the everyday option instead of color inside the libraries field, you can choose any of the icons from the right pane. जैसे कि मैं choose कर रहा हूँ USB option को और click on apply. ये देखिए apply करते ही वो folder USB का icon में change हो चुके हैं. अब मैं context menu को इस्तेमाल करके icon change करके दिखाऊंगा. For that, I have to right click on the folder. I want to change icon. चेंज फोल्डर आइकन ऑप्शन पे कर्सर रखते ही आपको यहाँ से भी उस एवरीडे और वर्क आइकन ऑप्शंस को देखने को मिलेगा और उस ऑप्शंस पे कर्सर रखते ही आपको उसका डिफरेंट आइकन्स का ऑप्शंस देखने को मिलेगा। मैं एवरीडे का USB आइकन में एक फोल्डर को चेंज किए हैं। अब वर्क ऑप्शन में से फेवरेट ऑप्शन को चुन लेते हैं। चुनते ही ये देखिए वो फोल्डर फेवरेट्स आइकन में बदल गए हैं। इस वर्क ऑप्शन को हम स्टार्ट मेनू ऑप्शन से भी निकल के फोल्डर का आइकन को चेंज कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं। ये देखिए ये फोल्डर भी वर्क ऑप्शंस में से इंटरनेट ऑप्शन में चेंज हो गए हैं। तो ऐसा करके आप भी इस फोल्डर को एप्लीकेशन की जरिए फोल्डर का कलर एज वेल एज आइकन्स भी चेंज कर सकते हैं, चाहे वो कॉन्टेक्स्ट मेनू ऑप्शन से और नहीं तो स्टार्ट मेनू ऑप्शन से। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इफ सो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि हर नया वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।